गुड मॉर्निंग बच्चों, आज प्रोज का सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर शुरू करेंगे। ए जी गार्डनर द्वारा ये लिखा गया है, यानी इसके राइटर ए जी गार्डनर हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ए जी गार्डनर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। ए जी गार्डनर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के महान एसेइस्ट में से एक माने जाते हैं ये। ही इज़ फेमस फॉर हिज क्लियरनेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड लाइवली ह्यूमर। ए जी गार्डनर सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपने लाइवली ह्यूमर के लिए। उनके एसेज की सबसे बड़ी पहचान उनका हास्य है। वो इस तरह से हास्य को अपने एसेज में रखते हैं कि जैसे वो खुद के ऊपर हंस रहे हैं, वो अपने ऊपर हंसते हुए बाकी सबको भी हंसी दिला देते हैं। साथ ही क्लियरनेस ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहते हैं। हिज एसेज आर फुल ऑफ विट एंड विजडम। विट और विजडम से भरे हुए हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एसे, जिसे हम अब स्टार्ट करेंगे। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से कैरिज में पहले कौन आया। अपने फेलो ट्रैवलर की बात कर रहे हैं। वो खुद कैरिज में थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका फेलो ट्रैवलर भी वहाँ पर है। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में कुछ समय के लिए तो मैं जानता ही नहीं था कि वो भी कैरिज में, यानी कंपार्टमेंट में है। It was the last train from London to Midland Town. ये लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन। और इस ट्रेन के डिस्क्रिप्शन देते हुए राइटर कहते हैं कि ये एक स्टॉपिंग ट्रेन थी। स्टॉपिंग का मतलब होता है जो बार बार रुकती है। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन। इन्फिनिट का मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट ना हो। लेजरली आराम से चलने वाली उन ट्रेन में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जो आपको एटर्निटी का मतलब होता है अनंतता, वो चीज़ जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, वो एटर्नल होती है। तो ये ट्रेन राइटर को एटर्निटी का एहसास करा रही थी, यानी ये सफ़र इतना लंबा होता जा रहा था जैसे कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। इट वॉज़ टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। ये ट्रेन लंदन से चली थी तब ये अच्छे से भरी हुई थी। टॉलरेबली फुल यानी काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन सब अर्बन स्टेशंस पर, यानी सब अर्बन का मतलब होता है छोटे स्टेशन, जो एक शहर के अंदर छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उन सब पर ये रुकती गई। द ट्रैवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज। एलाइट का मतलब होता है उतरना। ट्रैवलर्स एक एक दो दो करके, वंस एंड टूज यानी कोई अकेला और कोई दो, उतरते गए, और वो धीरे धीरे ट्रेन का डिब्बा खाली हो गया। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। और जब उन्होंने लंदन के आउटर रिंग को पीछे छोड़ा, यानी लंदन से बाहर निकले, आई वॉज अलोन, और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन। और जब वो लंदन से बाहर निकले तब वो बिल्कुल अकेला था, या उसे ऐसे लगा कि वो अकेला है, जबकि ट्रेन में उसके साथ उस समय कोई और भी था। सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन ए कैरिज। राइटर कह रहे हैं कि किसी भी कैरिज में, किसी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले रहने में आज़ादी का सुखद एहसास होता है। दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जोल्टिंग का मतलब होता है झटके लगना, और नॉइजली शोर मचाते हुए। तो रात को ट्रेन चल रही है, झटके लग रहे हैं, शोर मचा रही है, और उसमें राइटर ट्रेन के डिब्बे में बिल्कुल अकेला है, तो उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी का अनुभव होता है, तो उसे आज़ादी का सुखद एहसास होता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। राइटर के अनुसार ये लिबर्टी है, आज़ादी है, और अनरेस्ट्रेंट यानी किसी का कोई कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा। बहुत अच्छी फॉर्म में उसे ये आज़ादी मिली है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहे कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम जितनी जोर से चाहो अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम
ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट। तुम चाहे तो जॉन से लड़ाई कर सकते हो एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल चटा सकते हो यानी उसे बुरी तरह हरा सकते हो विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। तुम्हें काउंटर स्ट्रोक का भी कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि जोन्स वहाँ पर है ही नहीं, तो वो तुम पर पलटवार नहीं करेगा, वो वापस से कोई जवाब नहीं देगा, तुम जितना चाहे उसे हरा सकते हो। तो इस तरह से अगर अकेले हो और किसी से लड़ने का मन है तो तुम बिना किसी डर के उससे लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। अगर तुम्हारा मन कर रहा है अपने सर के बल खड़े होने का, जैसे ये खड़े हुए हैं महाशय, तो तुम ऐसे भी खड़े हो सकते हो और कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक। तुम चाहे गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो या फिर गोल्फ स्ट्रोक खेल सकते हो। बच्चों, गोल्फ स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में गोल्फ स्ट्रोक खेलेंगे तो किसी को चोट लग जाएगी और वापस से आपकी पिटाई होने की भी संभावना रहेगी। लेकिन अगर ट्रेन में अकेले हो तो आप अपनी मर्जी का कोई भी गेम खेल सकते हो, गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। या फिर अगर तुम्हारा मन है कंचे खेलने का तो तुम कंपार्टमेंट के फ्लोर पर मार्बल यानी कंचे भी खेल सकते हो बिना किसी बाधा के। लेट और हिंड्रेंस, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। तुम चाहे तो विंडो खुली रख सकते हो, चाहे तो बंद कर सकते हो, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा वहाँ पर, कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ। अगर तुम्हारा मन करे तो दोनों तरफ की खिड़कियाँ खोल लो और मन करे तो दोनों तरफ की खिड़कियाँ बंद कर दो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। राइटर एक और अच्छा सा सुझाव देता है कि तुम्हारा मन करे तो तुम सारी खिड़कियों को एक बार खोलते चले जाओ और फिर बंद करते जाओ क्योंकि तुम अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहे हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज। तुम अपनी पसंद की किसी भी सीट पर बैठ सकते हो, किसी भी कोने में बैठ सकते हो एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी से हर एक सीट को ट्राई कर सकते हो। कभी किसी सीट पर बैठो और कभी किसी सीट पर, क्योंकि आज तुम बिल्कुल आज़ाद हो और तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। You can lie at full length on the cushions. तुम चाहो तो cushions पर लेट सकते हो and enjoy the luxury of breaking the regulations. और तुम कोई भी कानून तोड़ सकते हो, possibly the heart of Dora herself. और Dora जो कि England का बहुत ज़्यादा सख्त कानून था उसे भी तोड़ सकते हो। Only Dora will not know that her heart broken. Dora को भी पता नहीं चलेगा किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है। You have escaped even Dora. तुम Dora से भी बच सकते हो जो कि नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसा कोई भी काम कर सकते हो जो Dora में करने के लिए मना ही है। Dora का मतलब है The Defense of the Realm Act. ये DORA शॉर्ट फॉर्म में इसे Dora कहा जाता है। ये इंग्लैंड का बहुत सख्त कानून था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंग्लैंड में ये कानून बना था जिसने सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दी थी। अगर गवर्नमेंट को किसी पर भी शक है तो उसे वो बिना कारण बताए जेल में डाल सकती थी। लेकिन यहाँ पर राइटर कहता है कि अगर तुम ट्रेन में अकेले हो तो तुम डोरा को भी तोड़ सकते हो। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। उस रात मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, यानी ना तो उसने गाना गाया, ना उसने डांस किया, ना उसने मार्बल्स खेले, ना गोल्फ स्ट्रोक। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। ये सारी बातें उस दिन मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। उस दिन जो कुछ मैंने किया बिल्कुल साधारण था। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गोन। जब मेरे आखिरी फेलो पैसेंजर भी चले गए। पुट डाउन माई पेपर। मैंने अपना पेपर यानी न्यूज़पेपर नीचे रखा। स्ट्रेस्ड माई आर्म्स एंड लेग्स। मैंने अपने हाथ और पैर फैलाई यानी अंगड़ाई ली। स्टूड अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग।
खड़ा हो गया और विंडो से बाहर देखा, और बाहर उसे क्या दिखाई दिया? काम समर नाइट, ठंडी गर्मियों की रात जिसमें वो यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, उसने उत्तरी आकाश की तरफ देखा और वहाँ पर उसे पेल रिमिनिसेंस, पेल का मतलब होता है बच्चों फीका, और रिमिनिसेंस का मतलब होता है यादें, यानी दिन की कुछ यादें। जब दिन छिप जाता है तो आकाश में हल्का पीलापन रह जाता है जो कि ढलते हुए दिन की याद दिलाता है। तो उसने आकाश की तरफ देखा जो कि हल्का पीला था। क्रॉसेस द कैरिज, कैरिज क्रॉस किया यानी एक तरफ किस विंडो से दूसरी तरफ गया। लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी विंडो से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ये वो समय था जब उसे अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटेपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, उसका डिस्क्रिप्शन देता है वो कि वो उनमें से एक था। विंगी, विंग विंगी कहते हैं जिनके पंख होते। निपी तेज शार्प। इंट्रिपिड का मतलब होता है बोल्ड, साहसी, जो किसी से डरते नहीं हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट। तो वो उन इंसेक्ट्स में से था जो विंगी होते हैं, जिनके पंख होते हैं। निपी जो तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इंट्रिपिड जो किसी से डरते नहीं हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, जिन्हें हम वेगली, वेगली यानी अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोज यानी मच्छर कहते हैं। तो फेलो ट्रेवलर कौन था? राइटर का एक मच्छर जो कि पूरी यात्रा में उनके साथ था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने पूरे कंपार्टमेंट का एक टूर लिया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और उस कंपार्टमेंट की तीनों डायमेंशंस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, यानी उनकी अच्छे से उसने जानकारी ली। किसी भी रूम की तीन डायमेंशन होती हैं, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो मच्छर ने पूरा देखा कि वो कंपार्टमेंट कितना लंबा था, कितनी उसकी चौड़ाई थी और कितनी उसकी ऊंचाई थी। विजिटेड ईच विंडो, फ्लूटर राउंड द लाइट, हर विंडो पर गया और लाइट के चारों तरफ उसने फ्लूटर, फ्लूटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, तो उसने चारों तरफ राउंड लिया लाइट के अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और जब उसने पूरे डिब्बे को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया, तब उसे ये समझ में आया कि इस पूरे कंपार्टमेंट में इस लार्ज एनिमल, लार्ज एनिमल राइटर अपने आप को कह रहा है। बच्चों, हमने जब राइटर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसकी लाइवली ह्यूमर के बारे में एक लाइन में आया था, तो यहाँ पर वही लाइवली ह्यूमर की एक झलक हमें मिलती है जब वो अपने आप को लार्ज एनिमल कहता है। तो उसे कह, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उस मच्छर को पूरी ट्रेन में मेरे जैसे एक लार्ज एनिमल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं लगी। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और अब की बार उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी, यानी मेरी गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसे दोबारा से फ्लिक, फ्लिक जब हाथ से किसी को मारने की कोशिश करते हैं, तो राइटर ने दोबारा उस पर हाथ मारा। ही स्किप्ड अवे, लेकिन वो राइटर के वार से बच गया। टुक अनोदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, उसने कंपार्टमेंट के चारों तरफ दूसरा जॉन्ट, जॉन्ट का मतलब होता है ए शॉर्ट ट्रिप, तो उसने फिर से एक ट्रिप ली कंपार्टमेंट की, रिटर्न वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और फिर राइटर के हाथ पर बैठ गया, और बैठे भी कैसे वो? इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है बेशर्मी से। इट इज़ इनफ आई सेड, राइटर ने कहा अब बहुत हो गया।
उसने दो बार मच्छर को चांस दिया लेकिन मच्छर नहीं मान रहा था। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है दयालुता, काइंडनेस या उदारता, उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, तुम्हें दो बार चेतावनी दी गई दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ कि तुम आओ मेरा खून चूसने लगो, बल्कि वो एक वीआईपी है। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, राइटर कह रहा है कि मेरा ऑगस्ट पर्सन, ऑगस्ट का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, राइटर मान रहा था कि वो एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, और उसे रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा आना, टिकलिंग गुदगुदी को कहा जाता है, इम्पर्टिनेंस बदतमीजी या असभ्यता, रूडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो राइटर कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर अजनबी आकर मुझे टिकलिंग करे, मुझे गुदगुदी करे, तो ये असभ्यता पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब राइटर ब्लैक कैप पहन लेता है। इंग्लिश लॉ में ब्लैक कैप जब पहनी जाती है जब जज को किसी को मौत की सज़ा यानी डेथ पेनल्टी सुनानी होती है, उस समय वो ब्लैक कैप पहनते हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को जज मान रहे हैं और साथ ही जज भी कैसे ब्लैक कैप पहने हुए, जो कि अब उस मच्छर को मौत की सज़ा सुनाने वाले हैं। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे रहा हूँ। जस्टिस डिमांड इट, ये जस्टिस यानी न्याय की मांग है, एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करता है। बच्चों ये लाइन शेक्सपियर के फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस ट्रबल करने वाला, जो दूसरों को परेशान करता है, तो ये पब्लिक को परेशान करने वाला है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तीसरा आरोप है कि उसने टिकट भी नहीं खरीदा है, बिना टिकट ही वो ट्रेन की यात्रा कर रहा है। यू हैव नो मीट कूपन, इसके अलावा उसने मीट कूपन भी नहीं लिया है, और बिना मीट कूपन लिए ही वो राइटर का खून पीकर अपना पेट भर रहा था, जो कि गैरकानूनी है। फॉर दीज एंड मैनी अदर्स मिस डिमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, राइटर कह रहे हैं कि एक तो ये है और इनके अलावा और भी कुछ मिस डिमेनर्स है। मिस डिमेनर्स का मतलब होता है छोटे आरोप जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो उन सब के लिए अब उस मच्छर को मौत की सज़ा सुनाई जा रही है, अब उसे मरना पड़ेगा। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने एक स्विफ्ट बहुत तेज, लीथल, लीथल का मतलब होता है घातक, राइटर ने अपने राइट हैंड से एक बहुत ही तेज और घातक प्रहार किया मच्छर के ऊपर। ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, लेकिन मच्छर ने उस अटैक को डॉज कर दिया, डॉज का मतलब होता है बचना, बचकर निकलना, तो मच्छर उस अटैक से बच गया और बहुत ही इंसोलेंट ईज के साथ। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, बहुत ही असभ्यता के साथ उसने उस वार से अपने आप को बचा लिया, और इतनी आसानी से बचाया कि राइटर को ह्यूमिलिएशन फील हुआ, उसे ऐसे लगा जैसे, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान, जिससे राइटर का अपमान हो गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, वैनिटी का मतलब होता है प्राइड, यानी उसका जो गर्व था, उसका जो घमंड था, अब वो जाग गया। इस तरह मच्छर ने राइटर के स्वाभिमान को जगा दिया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, लंज का मतलब होता है झपट्टा मारना। तो राइटर ने अब उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, यानी उसके पीछे भागा, पहले उसे हाथ से मारने की कोशिश की, कि उसे अपने न्यूज़पेपर से उसे मारने की कोशिश की। आई जम्प्ड ऑन द सीट, सीट के ऊपर चढ़ गया, जब मच्छर ऊपर उड़ा तो वो भी सीट के ऊपर
चढ़ गया एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैंप, और लैंप के चारों तरफ भी मैंने उसका पीछा किया। परसू का मतलब होता है फॉलो करना। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकियाँ। फिलाइन बिल्ली को कहा जाता है, कनिंग चालाकी, तो उसने बिल्ली के जैसी चालाकी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, तब तक मच्छर का इंतजार किया जब तक वो नीचे नहीं आया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्दीनेस, और उसके पास हॉरिबल स्टील्दीनेस, भयानक खामोशी के साथ वो मच्छर के पास आया। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और उसने फिर बहुत तेजी के साथ अचानक से मच्छर पर वार किया। देखा होगा आपने, बिल्ली जब भी बिल्ली को चूहे पकड़ने होते हैं, पहले वो चुपचाप बैठती है और देखती है कि चूहा कब बाहर निकलेगा, और जैसे ही चूहा बाहर निकलता है बहुत धीरे धीरे चलती है, उस पर झपट पड़ती है। राइटर ने भी यही सारी चालाकियां अपनाई उस मच्छर को मारने के लिए। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार रहा। ऑल इन वेन का मतलब होता है यूजलेस। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली, स्पष्ट रूप से, खुले रूप से। एंड ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है फॉर शो, जैसे कि उसे अपना गेम किसी को दिखाना है। तो खुले रूप से और दिखावे के लिए वो खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मैटेडोर फिनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, वो राइटर के साथ बिल्कुल इस तरह से खेल रहा था जैसे एक स्किलफुल यानी कुशल मैटेडोर जो बुल के साथ फाइट करते हैं, वो एक गुस्से से भरे हुए बुल के साथ फिनेस कर रहा हो, बुल के साथ खेल रहा हो। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मच्छर राइटर के साथ खेल रहा है। यहाँ पर राइटर ने मच्छर की तुलना मैटेडोर से की है, जो अपने गेम में पूरी तरह कुशल है, और अपने आप को वो एक गुस्से से भरा हुआ सांड बता रहा है जो कि बार बार हार जाता है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो इस खेल को इंजॉय कर रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और इसी इंजॉयमेंट की वजह से उसने राइटर की रिपोज, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, आराम को में विघ्न डाला, उसे डिस्टर्ब किया। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, मच्छर राइटर के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बींग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, और इससे अच्छा गेम क्या होगा कि एक ह्यूज लंबरिंग विंड मिल, भारी भरकम विंड मिल के जैसे, पवन चक्की की तरह से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। चेज करना यानी पीछा करना। यहाँ पर राइटर अपने आप को पवन चक्की जितना भारी भरकम बता रहा है, क्योंकि पवन चक्की एक ही जगह हिलती रहती है, तो वो भी मच्छर सारे में कंपार्टमेंट में चक्कर लगा रहा है और वो इधर से उधर उसका पीछा करते हुए हिल रहा है, जो कि मच्छर के सामने राइटर बहुत बड़ा था, हैवी था, तो वो अपने आप को विंडमिल बता रहा है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी राइटर का खून जो था वो मच्छर को पसंद आ गया था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, लेकिन मच्छर के सामने वो इतना असहाय और इतना बेवकूफ लग रहा था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब राइटर थोड़ा सा नरम पड़ने लगता है मच्छर की तरफ। एंटर इन टू द स्पिरिट का मतलब होता है किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करना, तो अब राइटर मच्छर को थोड़ा सा समझ रहा है। ही वॉज नो लोंगर ए मेयर इंसेक्ट, अब वो मच्छर उसके लिए सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रह गया है। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, अब वो एक पर्सनैलिटी में डेवलप हो रहा था, यानी एक व्यक्तित्व बन गया था राइटर के लिए। एंड इंटेलिजेंस, और साथ ही एक बुद्धि, यानी एक अस्तित्व था उसका जिसमें बुद्धि भी थी। दैट चैलेंज्ड द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने इस कंपार्टमेंट में मुझे चैलेंज किया था, मुझे चुनौती दी थी कि इस कंपार्टमेंट में जितना अधिकार राइटर का है उतना ही अधिकार मच्छर का भी है। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, राइटर जब अपनी सीट पर बैठा
तो उसने अपना न्यूज़पेपर उठा लिया पढ़ने के लिए, मच्छर आया और उस न्यूज़पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सैड, राइटर ने मच्छर से कहा कि तुम कितने फुलिश हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब तक राइटर उस मच्छर के पीछा कर रहा था, कभी न्यूज़पेपर लेकर कभी हाथ से उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, तब मच्छर उसके हाथ नहीं आया। लेकिन जब वो वापस बैठ के अपनी सीट पर, तो मच्छर उसी के पास आकर बैठ गया। तो राइटर कह रहा है कि वो इतना मूर्ख है कि अब उसने अपने आप को राइटर के हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कॉप्स। बच्चों, एजी गार्डनर का ये भी एक स्टाइल है कि वो एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत भारी भरकम शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये वर्ड उसने यूज़ किए हैं मैगजीन के लिए। वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन यानी एक साप्ताहिक पत्रिका। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे अब इस न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी उनके हाथ में थी, उसे के दोनों कवर को केवल एक स्मैक देना है। स्मैक का मतलब होता है हाथ से जोर से मारना। एंड यू आर कॉप्स, और तुम एक लाश में बदल जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। राइटर कह रहा है कि अगर मैंने एक स्मैक दे दिया दोनों हाथों से उस न्यूज़पेपर, तो वो एक सैंडविच बन जाएगा और दो आर्टिकल, एक पेज पर पीस ट्रैप था और दूसरे पेज पर द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज था, उन दोनों के बीच में वो मच्छर एक सैंडविच बनकर रह जाता। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना चाहता हूँ कि जब ये बड़ा एनिमल कुछ कह रहा है तो उसका मतलब होता है, यानी वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं। वो जो अगर कह रहा है कि उसने उसे छोड़ दिया है, तो अब वो उसे नहीं मारेगा। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अलावा अब मेरे अंदर इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रू नोइंग यू बेटर, क्योंकि अब वो उसे अच्छे से समझ गया है, क्योंकि वो अब उसे अच्छे से जानने लगा है। आई हैव कम टू फील, शैल आई से ए शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। राइटर कह रहा है कि क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ, तो मुझे एक अफेक्शन यानी एक प्यार, एक स्नेह वाली फीलिंग उसके लिए होने लगी है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू द लिटिल ब्रदर। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटे भाई कहा होगा। सेंट फ्रांसिस इंग्लैंड के एक बहुत बड़े संत थे जिन्हें जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार था। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चन चैरिटी एंड सिविलिटी। राइटर कहते हैं कि मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता जितने कि क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी, सिविलिटी सभ्यता, यानी क्रिश्चियन सभ्यता में जितनी दूर तक सेंट फ्रांसिस गए थे कि जीव जंतुओं को छोटा भाई कहने लगे थे, उतना तो वो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे उसके लिए एक स्नेह की भावना फील हो रही है। बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे हम दोनों के बीच में एक दूर की रिश्तेदारी फील होती है, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों के बीच में एक दूर का रिश्ता है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, इस समर की नाइट में, इस गर्मियों की रात में भाग्य ने हम दोनों को फेलो ट्रेवलर बना दिया है। यानी ये दूर का रिश्ता क्या है कि वो दोनों फेलो ट्रेवलर हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, ये ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी। तो हमारा ऑब्लिगेशन म्यूचुअल है, पारस्परिक है, यानी दोनों का, दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। एक दोनों ने एक दूसरे का मनोरंजन किया है, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया है। राइटर ने मच्छर का मनोरंजन किया और मच्छर ने राइटर का मनोरंजन किया। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और उनकी ये
रिलेशनशिप इस बात पर भी आधारित है, फंडामेंटल फैक्ट यानी आधारभूत तथ्य है ये कि हम दोनों फेलो मोर्टल्स हैं। मोर्टल नश्वर को कहा जाता है, यानी जो दुनिया में आते हैं और उसके बाद मरते हैं, जिनका नाश होना निश्चित है उन्हें नश्वर कहा जाता है। मच्छर भी और राइटर दोनों ही फेलो मोर्टल्स हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मच्छर है, चाहे इंसान है, चाहे वो पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी मोर्टल्स हैं। इस तरह सभी के बीच में एक दूर की रिश्तेदारी होती है कि वो सभी फेलो मोर्टल्स हैं, वो सभी दुनिया में आए हैं और एक दिन उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर्स इन कॉमन। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। लाइफ का मिरेकल हम दोनों के लिए कॉमन है, यानी जितनी मिरेकुलस लाइफ तुम्हारे लिए है उतनी ही मेरे लिए भी है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और साथ ही इसका रहस्य भी हम दोनों के लिए समान है। यहाँ पर लाइफ के मिरेकल और मिस्ट्री दोनों की बात की गई है। मिरेकल क्यों है? जीवन खुद में एक चमत्कार के जैसे, साथ ही जीवन रहस्यों से भी भरा हुआ है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन। और मैं भी विश्वास, मुझे भी श्योर नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पर राइटर लंदन से मिडलैंड वाली यात्रा से ऊपर उठकर अब जीवन की यात्रा की बात कर रहा है। ना राइटर अपनी यात्रा के बारे में जानता है और ना ही मच्छर अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता है, यानी वो कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये उन दोनों में से किसी को नहीं पता। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक, जस्ट अपैरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। जब इस बात को सोचा जाता है तो हम दोनों वास्तव में एक जैसे हैं। जस्ट अपैरिशंस, अपैरिशंस का मतलब होता है भूत प्रेत आत्माएं जो हैं और नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरिज, हम रात से निकलकर एक रोशनी से भरे हुए डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, थोड़ी देर लैम्प के चारों तरफ फ्लैटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट अबाउट द नाइट अगेन, और फिर उस रात में वापस चले जाते हैं, परहैप्स शायद। तो इस तरह से जीवन की यात्रा को दिखाया गया है। एक ट्रेन का डिब्बा है जिसके अंदर लाइट है, और ये है हमारी जो लाइफ है। इसमें चढ़ने का दरवाज़ा बाय बर्थ आता है और इससे निकलने का दरवाज़ा डेथ है। यहाँ पर अंधेरा है, बर्थ से पहले भी और डेथ के बाद भी अंधेरा ही है। कोई नहीं जानता कि हम इस जन्म में आने से पहले क्या थे। हम इंसान के रूप में पैदा हुए थे, जानवर थे भी नहीं थे, पहला बर्थ है ये हमारा, या बार बार पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता। तो इस तरह से अंधेरे से हम उस डिब्बे में चढ़ते हैं जिसे लाइफ कहते हैं, और यहाँ पर एक लाइट होती है जिसके चारों तरफ मच्छर घूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही लाइट हमारे लाइफ में होती है जिसे हम माया कहते हैं, धन कहते हैं। हमारी पूरी लाइफ इसी के चारों तरफ घूमती है, और उसके बाद जब हमारा स्टेशन आ जाता है तब हम बाहर निकल जाते हैं, और ये रास्ता डेथ का होता है। और इसके बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। भूत बन गए, हमें दूसरा जन्म मिला है, कीड़े मकोड़े बन गए हैं, स्वर्ग नरक ये सारी जो कल्पनाएं हैं इनके बारे में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से अंधेरा है बर्थ से पहले भी और डेथ के बाद भी। लाइट सिर्फ उस कंपार्टमेंट में है जिसे हम लाइफ कहते हैं, बाकी सब कुछ अंधेरा है। तो यहाँ राइटर का सब्जेक्ट मैटर एकदम से ऊपर उठ जाता है। एक तरफ वो एक छोटी सी कहानी से शुरू करता है जिसमें मेन कैरेक्टर वो और मच्छर दोनों होते हैं, और सीधे एक बड़ी छलांग लेते हुए वो लाइफ और डेथ के टॉपिक पर आ जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड ए वॉइस एट द विंडो। तभी राइटर ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सर जाना नहीं है।
It was a friendly porter giving me the hint that this was my station. ये आवाज़ एक पॉटर की थी, एक कुली की थी, और वो फ्रेंडली कुली था, यानी उसे जानता था, और ये वो हिंट दे रहा था कि राइटर का स्टेशन आ गया है. आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग. मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं शायद डोज कर रहा था. डोज का मतलब होता है झपकी, यानी उसकी झपकी लग गई थी. एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपनी हैट और स्टिक उठाई. आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी गर्मियों की रात में ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर आ गया. एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि अब कंपार्टमेंट खाली था, सम माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा मेरा फेलो ट्रैवलर अभी भी लाइट के चारों तरफ फ्लैटर कर रहा है, यानी उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अभी थोड़ी देर और उस लाइट के चारों तरफ घूमना था. तो इस तरह से बच्चों ये कहानी राइटर के स्टाइल के बारे में बताती है, राइटर के ह्यूमर के बारे में, उनकी विट के बारे में बताती है, और साथ ही सब्जेक्ट मैटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक मच्छर से शुरू होकर लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट तक भी आ जाता है. इस तरह ये चैप्टर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एजी गार्डनर के राइटिंग स्टाइल का, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनका डिस्क्राइब करने का तरीका, जो कि न्यूज़पेपर के लिए वो इतने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका ह्यूमर, जिसके सेंटर में वो खुद अपने आप को रखते हैं, अपने आप पर हंसते हैं, कभी अपने आप को विंड मिल बताते हैं, कभी अपने आप को लार्ज एनिमल बताते हैं, और अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, ताकि जो रीडर्स हैं वो उसका आनंद ले सकें और उनकी बात को समझ सकें.